कार आदाब हफ्ते की बात उर्मिलेश के साथ के इस अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे आरएसएस और बीजेपी के नेताओं की जो बयानबाजी है जो रुकने का नाम नहीं ले रही इसी के संदर्भ में उर्मिलेश जी पहला सवाल तो यही कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जयपुर में जिन्होंने लिंचिंग के संदर्भ लिंचिंग का नाम ना लेते हुए अखलाक के नाम से उन्होंने जो मॉब मॉमलिंचिंग का जिक्र किया है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है वो कितना असंवेदनशील भी है इस तरह की घटना के लिए देखिए उन्होंने जो कहा शब्दशाह जो बात निकलती है वो ये कि भाई अखलाक जब हुआ तब भी हम जीते पुरस्कार वापसी जब हुआ तब भी हम जीते हम अब भी जीतेंगे आगे भी जीतते रहेंगे पचास साल की बात उन्होंने करी अब इन ये बातें मुझे लगता है कि वो सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपनी पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी कहते हैं तो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो इतने बड़े देश को इस वक्त सरकार जिसको चला रही है आई मिन उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस तरह की बात करता है तो मुझे लगता है कि ये संविधान की बात तो छोड़ दीजिए एक मानवीय संवेदना जिसकी आप बात कर रही हैं उसका भी निषेध है उसका भी एक तरह से ये उलट है उसके बिल्कुल आप क्या कहना चाहते हैं इससे आप ये कहना चाहते हैं कि लिंचिंग होगी तो भी हम जीतेंगे लिंचिंग से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप एक तरह से माब लिंचिंग को आप एक तरह से भीड़ द्वारा हत्या किए जाने को जायज ठहरा रहे हैं आपको तनिक भी इस बात का अफसोस नहीं है कि चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो पारसी हो सिख हो कोई भी धर्म का आदमी हो किसी भी जाति का व्यक्ति हो अगर उसको घेर करके कोई मार डालता है बिना किसी कसूर के और कसूर भी हो तो किसी को मारने का अधिकार किसी भीड़ को नहीं है इसके लिए कानून बना है अपने देश में लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ भी होगा हम जीतेंगे आई थिंक जीत का ये बहुत खतरनाक दर्शन है जीत के बारे में इस तरह की बात करना मैं समझता हूँ कि मनुष्यता एक तरह से उस पर अट्ठहास करना है कि हम किसी की परवाह नहीं करते और दूसरी बात जो कह रहे हैं पचास साल जीतेंगे दुनिया में बहुत सारे ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं जो तानाशाही में तब्दील हुई फासिज्म में तब्दील हुई जो कहती थी सौ साल कभी नहीं जाएंगे हम हमारी पार्टी सौ साल राज करेगी क्या हुआ इतिहास में हमने देखा है तो मुझे लगता है कि ये जो गर्वोक्ति है ये जो घमंड के साथ बोलना अहंकार एक तरह से दिखता है वो लोग स्वयं कहते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं को कि अहंकार ग्रस्त हैं लेकिन ऐसा अहंकार तो पहले शायद ही कभी कभी दिखता था किसी ने एक बार कहा था कि इंदिरा इज इंडिया इंडिया इज इंदिरा हैं तो उस तरह का अहंकार उससे भी बढ़कर ये अहंकार है कि हम जीतेंगे चाहे कुछ भी होता रहे एक तरफ तो इनका ये जिसके बारे में आपने बताया मॉब लिंचिंग को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है दूसरी तरफ उनके बयान आते हैं देशी विदेशी नागरिकों लाइक हमारे देश के नागरिकता से जुड़े हुए कि वो एक तरफ कहते हैं कि देश में आए एक एक विदेशी नागरिक विदेशी नागरिक नहीं लेकिन जो जिनको वो घुसपैठिए है कहते हैं उनको एक एक को वो यहाँ से हटाएंगे देश की भूमि में रहने नहीं देंगे और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान यहाँ से जो गैर मुस्लिम लोग आएंगे उनको हम देश की नागरिकता देंगे तो नागरिकता को लेकर उनके ये जो दोगलापन है ये हमारे देश के नागरिकता के जो कानून है उसके साथ कितना सही बैठता है देखिए असल में हमारे यहाँ लोकतंत्र की जमीन बहुत कमज़ोर है इसके बावजूद कि हमें सत्तर इकहत्तर साल का समय मिला कि हम इसको और स्ट्रेंथन करते और इसको मजबूत करते हमने शहर में एक छोटी सी दुनिया है जो लोकतांत्रिक विमर्श या लोकतांत्रिक सोच या मूल्यों से लैस है लेकिन गाँव में अभी भी और कस्बों में और बल्कि शहरों में भी एक बड़ा हिस्सा है जो दिमाग से फ्यूडल है सामंत है और सामंती सोच उसके अंदर घर के बैठी हुई है घर करके उसकी वजह है कि हमें जो बड़े कुछ काम करने थे आज़ादी के बाद वो हम ठीक से नहीं कर पाए मसलन गैर बराबरी को कम करना आर्थिक स्तर पर सामाजिक स्तर पर जो असमानता है जो विद्रोपता के हद तक है और उसके मूल में वर्ण व्यवस्था है हमने उसको एड्रेस नहीं किया हमने बड़े जो काम करने थे देशव्यापी स्तर पर जैसे लैंड रिफॉर्म्स जिससे कि लोगों में न केवल बराबरी आती बल्कि सम्मान के साथ जीने का एक एक एक, एक माहौल पैदा होता गांव में ठीक है तो जब खेतीहर समाज बदलता जब ग्रामीण समाज बदलता उसका असर पूरे समाज पर पड़ता शहरी समाज पर कस्बाई समाज पर उससे एक पूंजीवादी विकास को भी गति मिलती जिससे कि लोकतंत्र की जमीन मजबूत होती और तब जाहिर है हम एक बेहतर जनवादी माहौल लोकतांत्रिक माहौल बना सकते थे इन चीज़ों के न होने का परिणाम यह है कि हमारे देश के बड़े राजनेता जो सत्ता चला रहे हैं जो देश चला रहे हैं वो भी इस तरह की फ्यूडल भाषा इस्तेमाल करते हैं जो बादशाह राजा की तरह जैसे लगता है कि वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है या डेमोक्रेटिकली चुनाव में भाग लेने वाली पार्टी के अध्यक्ष न होकर के कोई ऐसा लगता है कि किसी सल्तनत को चलाने वाले लोग हैं भाई ये सल्तनत नहीं है ये डेमोक्रेसी है ये आपने रिपब्लिक इसको घोषित किया हुआ है लेकिन आप भाषा आपकी क्या है आपके लहजा क्या आपका है ऐसा लगता है कि आप सब कुछ अपने से कर लेंगे अरे भाई एक संविधान है उस संविधान में नियम है उस संविधान ने धर्म के आधार पर असमान नहीं बनाया है यहाँ के नागरिकों को धर्म के आधार पर सबको समानता है बल्कि माइनॉरिटीज को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं अब मेरा यह कहना है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश या दुनिया के और जो मुल्क हैं वहाँ से आने वाले हिंदू जो धर्म के लोग अवलंबी हैं या दूसरे और धर्मों के लोग हैं हम सबको नागरिकता भी दे सकते हैं यानी शरणार्थियों को भारत का नागरिक बना देंगे लेकिन मुस्लिम को छोड़कर ये किस संविधान में है संविधान की किस धारा में है भाई कि आप मुस्लिम को छोड़कर जो भारत की दूसरी मतलब सबसे बड़ी मेजॉरिटी कम्युनिटी है माइनॉरिटी में सबसे बड़ी है और मेजॉरिटी में अगर देखा जाए तो सेकंड पोजीशन है तो आप कैसे एक धर्म विशेष को टारगेट करेंगे कि इनके लोगों के अलावा हम सबको शरणार्थी जो आएंगे हम नागरिक बनाएंगे ये अपने आप में साबित करता है कि सरकार चलाने वाली पार्टी के बड़े नेता किस तरह एक कम्युनिटी विशेष को लेकर बायस्ड हैं हम उस कम्युनिटी के प्रति आपसे या किसी से भी अतिशय या अतिरिक्त पक्षधरता की बात नहीं कर सकते सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए लेकिन क्या यह समानता का अधिकार है आप कह रहे हैं कि हम गिन गिन को सब गिन गिन कर सबको बाहर करेंगे अरे भाई आप किस आधार पर करेंगे अगर मान लीजिए कोई बहिरागत है कोई बाहर से आया है उसका एक आइडेंटिटी आप तय करेंगे और क्या इतना आसान है कि आप अगर आइडेंटिफाई भी कर लें तो सबको बाहर भेज देंगे कौन मुल्क उनको एक्सेप्ट करेगा म्यांमार में क्या हो रहा है रोहिंग्या का इशू पूरी दुनिया में एक बहुत ही विवादास्पद और बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए स्टेटलेसनेस की स्थिति है उनके सामने वो विवाद तो अभी हल नहीं हो पा रहा है हमारे ही बगल का है और आप चाहते हैं कि भारत में एक बड़ी समस्या को और विस्फोटक स्थिति स्थिति तक ले जाया जाए मुझे लगता है इन लोगों को समझ नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं दरअसल ये जिस भारत भूमि को अपनी मातृभूमि कहते हैं ये दरअसल उसी की एक तरह से उसके लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं उसको ये संकट में डालने का एक तरह से भविष्य तैयार कर रहे हैं मुझे लगता है ये खतरों से खेल रहे हैं और ये खतरे हमारी डेमोक्रेसी पर हैं हमारी हमारी रिपब्लिक पर हैं इस बात को इस देश की जनता जब समझेगी तब इनसे सवाल करेगी और इनके पास कोई सवालों का जवाब नहीं होगा तो ये तो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बयानों की बात हो गई है बड़े नेताओं की इसके अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें हैं जिन पे ये बयान देते रहते हैं जैसे कि पेट्रोल और डीजल के भाव जिस तरीके से बढ़ रहे हैं आम जनता मतलब बहुत परेशान है उससे लेकिन उसके बावजूद आप वही चीज़ कह रहे हैं कि वो उनके हाथ में नहीं है सरकार कैसे कह सकती है कि हमारे हाथ में नहीं है ये योगी आदित्यनाथ एक सब भारत के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री गन्ना किसानों को कह रहे हैं कि गन्ना आप कम उगाएं क्योंकि उससे डायबिटीज़ होती है शुगर से तो इस तरीके के बयान या फिर इनके एक जो मंत्री हैं मुकुट बिहारी वर्मा वो कह रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा है और हमारी सरकार है तो ये जो बयानबाजी है ये सरकार को क्योंकि ये सब लोग सिर्फ नेता नहीं हैं ये सरकार में शामिल लोग हैं ये एक जो सरकार है गवर्नमेंट एक पार्टी से अलग होकर उसकी विश्वसनीयता को कितना कम कर देते हैं ये विश्वसनीयता को कम करते हैं और मुझे लगता है कि चीज़ों को इतना हल्का या सस्ता बनाते हैं जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में चीज़ों को ट्रेवलाइज करना ट्रेवलाइज आई I मीन mean, करना तो ये बहुत ही चीज़ों का सतहीकरण कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम समाज में लोगों को सूचना ज्ञान से वंचित कर दें टेलीविज़न चैनलों के जरिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी पेश की जा रही हैं आ, समाज में पढ़ाई लिखाई का स्तर गिराने की पूरी कोशिश हो रही है जो बेहतर इंस्टीट्यूट्स हैं बेहतर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको बर्बाद किया जा रहा है पाठ्यक्रमों को बदला जा रहा है अज्ञानता का एक अंधेरा फैलाया जा रहा है पूरे समाज में तो अज्ञानता का अंधेरा जब फैलेगा तो उटपटांग बातों को लोग लोग जो हैं सीरियसली नहीं लेंगे उनको लगेगा कि ठीक है चल रहा है उठपटांग चीज़ों को लोग तो तभी सीरियसली लेंगे जब उनके पास ज्ञान होगा उनको लगेगा कि कितनी मूर्खतापूर्ण बयानबाजी हो रही है अगर आप समाज को पूरा अज्ञानी बना देंगे मूर्खता के जंगल में उसको ढकेल देंगे तो लोग आपकी मूर्खतापूर्ण बातों को भी सहजता से लेंगे हमको हमें जो लग रहा है कि दरअसल जिस तरह के जैसे आपने मुकुट बिहारी वर्मा जी का जिक्र किया जो वहां के संभवतः सहकारिता मंत्री हैं अब उन्होंने कहा कि राम मंदिर जरूर बनेगा क्योंकि सरकार हमारी है सुप्रीम कोर्ट हमारा है अब सुप्रीम कोर्ट हमारा है यह इस वाक्य का क्या मतलब है यानी राम मंदिर बनाने की बात करने वालों का है सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वयं इस बयान पर कॉग्निजेंस लेना चाहिए था और अगर लिया है तो बहुत अच्छी बात है उन मंत्री जी से पूछा जाना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट आपका है का क्या मतलब है इसका अर्थ क्या है इससे ध्वनि क्या निकलती है यह बेहद खतरनाक बयान है जो सुप्रीम कोर्ट पर भी एक तरह से इनके बयान से एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या किसी एक सेक्शन का है यह भारतवर्ष का सुप्रीम कोर्ट है किसी समुदाय का नहीं है किसी बिरादरी का नहीं है किसी पार्टी का नहीं है किसी एक राज्य सरकार का नहीं है तो न्यायपालिका क्या हमारे संविधान में जो एक स्वतंत्र और स्वायत्त अस्तित्व है आप उसको एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं उसको मटियामेट कर रहे हैं और दूसरी बात जो आपने कही कि एक हमारे देश के मंत्री हैं बहुत बड़े मंत्री हैं बहुत कानून की भी जानकार हैं वो कह रहे हैं कि साहब पेट्रोल और डीजल के दामों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है अरे भाई तो अधिकार किस बात का है आप दूसरे देशों को पेट्रोल और डीजल जिन दामों पर बेचते हैं वो कैसे कम हो जाते हैं आप टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती हैं आप कहते हैं कि हमें क्या अरे स्टेट गवर्नमेंट आपकी आप कहते हैं कि देश में सर्वाधिक स्टेट गवर्नमेंट्स आप हैं हम भी मानते हैं आपकी हैं तो आप क्यों नहीं डायरेक्ट करते कि वो टैक्स कम किए करें आप जब तेल के भाव बहुत ज़्यादा थे इंटरनेशनल मार्केट में तब तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई थी और वो बढ़ोतरी आज की बढ़ोतरी से भी कम थी आज अगर दाम बढ़े हैं तो आप कह रहे हैं कि हमारा कोई अधिकार नहीं है आप प्राइवेट कंपनियों को किस तरह से मुनाफा पहुंचा रहे हैं क्योंकि वो आपको मुनाफा पहुंचाती है ये जो हैं ये दरअसल इनकी सरकार में आने से पहले आ, के ही समय की बात नहीं है उससे पहले नरेंद्र मोदी का जो 2014 का पूरा चुनाव प्रचार रहा उसमें भी उन्होंने बहुत इस तरह के बयान दिए इससे पहले जब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही थी ख़ासतौर से दलितों पर जो हिंसा बढ़ रही थी उसमें भी वो एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आकर कहते हैं कि आप मेरे दलित भाइयों को ना मारें आप मुझे गोली मार दें या मुझ पर हमला करें या जो भी तो एक देश का प्रधानमंत्री जिसे जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो देश में हिंसा ना होने दे लेकिन वो एक हिंसा को कह रहे कि इसको ये अगर आपको आप हिंसा करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए इनके तरफ मत कीजिए मेरी तरफ कीजिए तो ये कितना जिम्मेदाराना बयान है देश के प्रधानमंत्री के तरफ से और जब देश का प्रधानमंत्री ही इस तरीके के बयान देगा तो उनकी पार्टी और उनसे जुड़े बाकी लोग तो वो तो जाहिर है उनको बढ़ावा मिलेगा इस तरीके की बयान देखिए इस तरह के बयानों में एक नाटकीयता होती है इसमें न तो सच्चाई होती है न तो इसमें किसी वस्तु स्थिति को एड्रेस करने का नजरिया होता है एक तरह से पूरी चीज़ों को आप हल्का बनाइए आप पूरी चीज़ों को नाटकीय बनाइए आप पूरी चीज़ों को जनता के समक्ष खासकर जो आम समाज है जो आपकी रैलियों में जाता है जो लोग आपको सुनते हैं रेडियो पर टेलीविज़न पर वो आपको सुनकर तालियाँ पीटें उनके अंदर से पूरे ज्ञान को काट कर हटा दीजिए हैं तो ये कुल मिलाकर जो ये इस तरह के जो बयान आते हैं इसका यही मतलब है अब जैसे नोटबंदी पर ही उन्होंने क्या कहा था नोटबंदी पर उन्होंने जो जो कहा था अगर उनका संकलन कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि वो हाथ्यरस की पूरी नदी बहने लगेगी धारा बहने लगेगी कभी कह रहे हैं कि हमको चौराहे पर खड़ा करके ये कर देना वो कर देना हम तो वो भाषा नहीं बोल सकते तो प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बात करते हैं तो पार्टी के लोग क्या करेंगे मंत्री क्या करेंगे मोहन भागवत जी संघ के श्रेष्ठ नेता हैं सबसे बड़े नेता हैं श्रेष्ठ हो या ना हो लेकिन सबसे बड़े नेता हैं अभी वो अमेरिका गए उन्होंने क्या कहा कि अकेला शेर को तो जंगली कुत्ते भी उसको उसको शिकार बना देते हैं और फिर उन्होंने कॉन्टेक्स्ट भी उसको बता दिया कि किस कॉन्टेक्स्ट कि में कह रहे हैं उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए हिंदू बिल्कुल असहाय है हिंदू हज़ारों साल से पीड़ित है अरे इस समाज में हिंदू ही तो मेजॉरिटी में है इस भारत के समाज में सबसे अधिक जो संख्या है मेजॉरिटी एब्सुलट मेजॉरिटी वो हिंदू हैं क्या खतरे में है कितने दिनों से आप खतरा बता रहे हैं आप ये नहीं बता रहे हैं कि दलित कितने खतरे में है आदिवासी कितने खतरे में है ओ कितने खतरे में है उसका आरक्षण कितने खतरे में है यूनिवर्सिटीज का क्या हाल है आज तक भारत की जेलों का हाल देख लीजिए भारत की जेलों में अगर आप संख्या निकालिए तो सर्वाधिक एससी एस टी ओबीसी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं अगर उनकी संख्या पूरे समाज की जोड़ दीजिए तो भी उनके परसेंटेज जो पॉपुलेशन का है उससे अधिक हैं सबसे अधिक जो फांसी की सजाएं इस देश में हुई हैं वो सर्वाधिक उन्हीं वर्गों की हुई हैं उन्हीं समाजों की हुई हैं इस देश के आम गरीब आदमी को जो चाहे वो दलित हो माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो या ट्राइबल हो उसे तो वकील तक अच्छे नहीं मिलते कि कोर्ट केसेस लड़ सकें और यही कारण है कि न्याय जो है उससे दूर होता जा रहा है हम न्याय का चाहे स्ट्रक्चर जितना भी अच्छा बुन लें लेकिन न्याय लोगों तक नहीं पहुंच रहा है क्योंकि न्याय महंगा होता जा रहा है न्यायपालिका भी इसको लेकर चिंतित है कई बार बड़े बड़े जो न्यायाधीश हैं जब बड़े सेमिनारों में जाते हैं तो इस बात की चिंता करते हैं और यहाँ वो कह रहे हैं कि शिकारी कुत्ते जंगली कुत्ते भी शेर को घायल कर देते हैं या उसको शिकार बना देते हैं आप क्या कहना चाहते हैं किसको कुत्ता कह रहे हैं समाज में कुछ कुत्ते भी हैं क्या आप समाज को जंगल समझ रहे हैं क्या मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि हमारे देश में संविधान तो लागू है लेकिन मौजूदा सत्ता संरचना के चलाने वाले जो लोग हैं वो इस संविधान को नहीं मानते उनके दिमाग में ये संविधान नहीं है उनके दिल में ये संविधान नहीं है उनके जहन में यह संविधान नहीं है तो संविधान को रहते हुए ये संविधान को पलट कर बातें करना चाहते हैं ये संविधान की रोशनी में नहीं संविधान को अंधेरे में डालकर संविधान को पटक कर पलट कर ये बातें अपना करना अपनी बातें करना चाहते हैं और अपना काम भी करना चाहते हैं इसीलिए जब भी ये बयान इस तरह का देते हैं आप देखिएगा उसमें संविधान की एक जान बूझ करके अनदेखी की जाती है और ये महज संजोग नहीं कि बीच बीच में बयान भी आते हैं कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए तो आज न केवल लोकतंत्र खतरे में भारत का है बल्कि इस लोकतंत्र को सुनिश्चित करने वाला भारत का संविधान खतरे में है और ये मुझे लगता है कि आज के लोकतंत्र की आज हमारे समाज की सबसे बड़ी चुनौती है हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज क्लिक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद